नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को जो है सीबीआई ने दीवार फांद कर जो है घर से कल रात को देर रात को दबोचा है। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री की जो पूरे दिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, उसके बाद सीबीआई की तीन टीमों ने, स्पेशल फोर्स ने जो कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम को जो है घर से दबोचा है। आपको बता दें कि चिदम्बरम के नाम से जो है, आपको बता दें कि चिदम्बरम का नाम कैसे आया आईएनएक्स मीडिया घोटाले में। आपको बता दें कि चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में जो है सीबीआई ने उनको सजा सुनाई है। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पर मामले को प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। चिदम्बरम ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को बुधवार को उपयुक्त बेंच के सामने ले जाने को कहा। बुधवार को भी चिदम्बरम को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। अब उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मंगलवार की शाम एजेंसियों ने सीबीआई और ईडी के अधिकारी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के दिल्ली में उनके घर पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं मिले। और आपको बता दें कि चिदम्बरम को कल देर रात तक दबोच दिया गया है। साथ में आपको बता दें कि चिदम्बरम जो है आईएनएक्स मीडिया केस के अंदर जो है फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। टोटली अनुमान बताया जा रहा है कि देश की जनता को जो पैसा खाया है चिदम्बरम ने, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास देश की जनता का पैसा खाया है। और मोदी जी को चोर कहने वाले कांग्रेस के नेता, मोदी जी को चोर करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को कड़ा जवाब दिया। और जनता कल चिदम्बरम के घर के सामने चिदम्बरम चोर है कहते हुए नारे लगाती हुई मिली और पाई गई। आपको बता दें कि जनता ने जो है रुख अपनाया है कि चिदम्बरम चोर है, ऐसे नारे सुनने को मिले कल मीडिया के अंदर, जो आपने सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप पब्लिक टुडे न्यूज के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।